हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी क्लास प्लस वन की सीबीएसई पेंटिंग, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस है, जो प्योर एनसीईआरटी आपकी बुक है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। इसके बाहर हम जाके यहाँ से पढ़ाई नहीं करेंगे, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड फुल एक्सप्लेनेशन चलेंगे। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम साइट्स देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं आपके उस चैप्टर में भी मैप दिया हुआ है, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, दोनों की दोनों भी पाकिस्तान में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बालाकोट ये भी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में, चुनहादड़ो और कोट दीजी ये दोनों भी पाकिस्तान में है। तो मतलब यहाँ पे अभी टोटल जो है वो पांच के नजदीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। लेकिन आपको ध्यान रखना है और भी बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इतनी ही दी है, ठीक है। तो फेमस साइट्स अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान, मतलब के हम उसको बोलते हैं कि वो कहाँ पे है, दैट इज इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उस वहां पे ये साइट जो है वहां पे है। रूपनगर जो कि हमारे पंजाब में, ठीक है ना, रोपड़, और इसको हम क्योंकि रूपनगर है तो ऑब्वियसली बात है इसको रोपड़ भी बोलते हैं, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है ना, वहां पे जो है ये हमें दिखाई देती है। लोथल जो कि गुजरात में है ना, वहां पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। रंगपुर जो कि नॉर्थ बांग्लादेश में है, आलमगीरपुर इन विलेज नियर मेरठ इन यूपी, वहां पे भी है। बनवाली दैट इज इन फतेहाबाद हरियाणा में है, ठीक है ना, जो साइट्स मतलब हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। धोलावीरा है जो कि बिल्कुल ही नजदीक जयपुर इन राजस्थान जो है वहां पे है, ठीक है ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही में राखी गढ़ी इन हरियाणा, ठीक है ना, तो हरियाणा में भी जो ये सबसे लेटेस्ट साइट है जो हमें मिली है, ये देखिए हमें ये इस तरीके से वहां से एक दो तीन चार पांच, हमें तकरीबन पांच जो है वहां पे कंकाल भी मिले हैं, है ना, अगर हम उनको बोले तो। इस तरीके से हमें जो साइट है वहां पे डिस्कवर हुई है, ठीक है, राखी गढ़ी दैट इज इन हरियाणा। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। 1922 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं नैनी गोपाल मजूमदार, जो कि एक्सकावेट करने के लिए गए, ठीक है ना, लेकिन उनको बहुत सारे डकैतों ने जो है वो वहां से लूट लिया, उनका सारा गोल्ड आर्टिफैक्ट्स जितने भी थे वो सारा कुछ उनका लूट लिया गया। आफ्टर हिज डेथ सर अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर भी थे, उन्होंने इसको कोशिश की। पीरियड था, हम मानते हैं कि इसका पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है 3250 बीसी से लेके 2150 बीसी ही माना जाता है। अगर आप ये पूछोगे कि सर इसको उल्टा क्यों लिखा है, बीसी में हमेशा बेटा डेट उल्टी ही चलती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक है, ठीक है। एडी अगर हो, एडी में सीधी चलती है। लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस जो कि पाकिस्तान इंडिया से गुजरती है, ठीक है ना, मतलब शुरू होती है वो मानसरोवर लेक से, वहां से शुरू होके ये जो है वो इंडिया में एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं से बाहर निकल के पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हमारे पंजाब में आती है। सबसे पहली साइट इसकी मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, जो कि हमें मोंटगोमरी में मिली, लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो जिसको हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है। फाउंडर्स की बात करें कि सिविलाइजेशन के फाउंडर्स कौन है, किसने मतलब ढूंढा, हिस्टोरियन इसको बेसिल्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है, जो हमें वहां पे चीजें मिली हैं, है ना, आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं उनके बेसिस पे, स्केल्टन्स के बेसिस पे, स्टैचूज के बेसिस पे, या फिर वहां पे और भी जो चीजें मिली हैं उनके बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसीलिए इसको हम काकशाई पीपल भी बोलते हैं, जो के जिन्होंने मतलब वहां पे खोज की, पीपल ऑफ श्रीलंका जो के लाइमस्टोन के हाउसेज उनके हैं। इक्वेटोरियल भी हैं जिनके पास हाई हेड, दे बिलोंग टू द आर्यंस जो हमारे इंडियंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो मंगोलियंस लॉन्ग फेस शॉर्ट हाइट लंगोरेटेड हेड हाई पॉइंटेड नोज, उनकी बियर्ड है लेकिन मुस्टैच नहीं है। ट्राइब्स एंड नोमैड्स फाउंड मेनी ऑफ द स्केल्टन्स अलोंग विद देयर हाउस होल्ड जो है, तो वो जो है वो हमें यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई हाँ ये लोग जो है वो फाउंडर्स हैं सिविलाइजेशन के, ठीक है ना। अभी हम ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात करेंगे। ब्रॉन्ज कास्टिंग की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो हैं वो लॉस्ट विक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं। तो
यहाँ पे ब्रोंज टेक्निक की अगर हम बात करें, लॉस्ट वैक्स टेक्निक की, जिसमें पहले वैक्स का एक फिगर बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्ले की कोटिंग होती है, फिर उसको ड्राई होने दिया जाता है, देन वैक्स को हीट किया जाता है, वैक्स को नहीं मतलब पूरे के पूरे जो मोल्ड है उसको हीट किया जाता है, तो वैक्स उसमें से निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है, जो नीचे होल बना होता है, ठीक है ना, क्ले कवर का, और देन उस मोल्ड में जो है उसमें मोल्टन मेटल मतलब जो ब्रॉन्ज है वो डाला जाता है और वो ओरिजिनल शेप ले लेता है ऑब्जेक्ट की, जो हमने स्कल्पचर जो बनाया था, ठीक है ना, वैक्स का। वंस जब मेटल कूल हो जाता है तो उसको क्ले कवर के साथ कंप्लीटली जो है वो रिमूव कर दिया जाता है उसको, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, हमें जो पेंटिंग्स आपको स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको हैं भी, ठीक है ना, मतलब कि आपके सिलेबस में भी हैं, उनकी अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमंस हैं, डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो है हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, अभी आगे हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, उसके बारे में। और साथ ही में हम जो है यहाँ पे एनिमल्स, बफेलो है ना, विद अपलिफ्टेड हेड, बैक स्वीपिंग हॉर्न्स उसके बनाए गए, द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल जो है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम कालीमंगन वो हमें दिखाई देता है, लेट हड़प्पन चालकोलिथिक साइट्स दैमाबाद महाराष्ट्र की जो है वहां पे एग्जांपल मिली है हमें मेटल कास्ट की। ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास है डांसिंग गर्ल, जो कि आजकल नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का जो है वो नगमा, वहां पे ये प्रिजर्व की गई है, सबसे पहले जब एंटर करते हैं ना तो वहां पे बड़ी है डांसिंग गर्ल। इसका आर्टिस्ट अननोन है, हमें नहीं पता किसने बनाया। आर्टिस्ट मीडियम जो है वो टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। पीरियड इसका नियर अबाउट 2500 बीसी रहा होगा। प्लेस इसकी मोहेंजोदाड़ो है, जो साइज है उसका आपको दिखाई दे रहा है, कोर्टेसी इसकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन की बात करें, राइट हैंड जो है वो रेस्टिंग है, दैट इज ऑन हिप, ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड है वो इंटायरली कवर्ड है विद द होल ऑफ द बैंगल्स, है ना, जो कि लेफ्ट लेग के ऊपर दिखाया गया है। हेड जो है वो स्लाइटली जो है उसका टिल्ट है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। हेयर जो है उसने एक बन बनाया हुआ है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने एक रिबन सा डाला हुआ है, ठीक है। आईज जो है वो इसकी बिल्कुल बंद है, क्लोज दिखाई दे रही है। नेक जो है वो डेकोरेट किया गया है इसको एक नेकलेस के साथ, ठीक है। उसकी आर्म जो है वो लेग्स आर डिसप्रोपोर्शनेट, क्योंकि किसी भी बंदे की आर्म जो है वो इतनी ज्यादा नीचे नहीं आती, अगर हम सीधा खड़ेंगे तो वो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से यहीं तक आएगी, इतना ज्यादा नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, वो तो इसकी लार्ज आईज है, फ्लैट नोज जो है वो हमें नीग्रोज की तरह इसके दिखाई दे रहे हैं, कि वो जैसे कि जो नीग्रोज हैं उस तरीके के लगते हैं। द स्टैचू सीम्स के स्टैचू जो है वो बिल्कुल ऐसा मान लो कि स्टैंडिंग है, प्राइड मुद्रा में खड़ी है। प्राइड मतलब जब अभी उसके ऊपर क्या है, उनको बहुत ही मान मतलब जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमारा, जो बुल है हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस बुल में क्या है, द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल जो कि हमें मोहेंजोदाड़ो से मिला है। इसमें ना ज्यादा डिस्क्रिप्शन ही दी हुई है एनसीईआरटी में, इतनी इतनी डिस्क्रिप्शन है तो हम उतनी इतनी ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी क्या है, कहता द मैसिवनेस ऑफ द बुल एंड द फ्यूरी ऑफ द चार्ज आर इलेक्वेटली एक्सप्रेस्ड। एनिमल जो है वो स्टैंडिंग में हमें दिखाई दे रहा है, जिसका हेड जो है वो टर्न है टू द राइट एंड विद द कोड अराउंड द नेक जो है वो उसके डाली हुई है, ठीक है। टेराकोटा स्कल्पचर्स की बात करेंगे अभी। क्रूड इन कंपेयर ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टोन, मतलब कि उसमें क्रूड मतलब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि रफ सा बनाया हुआ है। दे आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स एंड कालीबंगन में जो हमें मिले हैं वो थोड़े से रियलिस्टिक दिखाई देते हैं। रियलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि उसको लगता है कि थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं प्रपोर्शन में सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस फिगर्स हैं हमें यहाँ पे मदर गॉडेस की दिखाई देती है टेराकोटा में, और कुछ फिगर्स जो बियर्डेड मेल्स कॉइल्ड हेयर है ना वो भी हमें दिखाई देती है। द रिपीटेशन ऑफ दिस फिगर इज एग्जैक्टली द सेम पोजीशन वुड सजेस्ट दैट ही वाज अ डाइटी, ऐसा लगता है कि वो कोई डाइटी या कोई देवता है। टेराकोटा मास्क ऑफ होन डाइटी जो है वो भी हमें वहां पे मिला है, ठीक है ना। तो टेराकोटा टॉय कार्ड्स हमें मिले हैं, व्हील विसल्स रैटल्स बर्ड्स एनिमल्स गेम्समैन एंड डिस्कस जो है वो हमें वहां पे मिले हैं। ये देखिए जी, इतने तरीके के जो है वो एक तरह की ये मदर गॉडेस है, ये टॉय कार्ट है, ठीक है ना, जो हमें दिखाई देता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मदर गॉडेस है ना, और ये कुछ एनिमल्स की फिगर्स हमें दिखाई दे रही है।
तो सबसे पहले मदर गॉडेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिस्ट का भी अननोन है, कई जगह पे आपको ऐसी फिगर दिखाई देगी, कई जगह पे ऐसी भी दिखाई जा सकती है। टेराकोटा फायर बेक्ड क्ले है, 2500 BC का टाइम पीरियड है, जो इंडस वैली का है वही मानेंगे। प्लेस इसकी मोहनजोदाड़ो, जहां से हमें मिली है, कोटसी इज द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्रूड स्टैंडिंग फिगर मदर गॉडेस की दिखाई दे रही है, इसने भी यहाँ पे नेकलेस पहना हुआ है, देखो है ना, इसने भी नेकलेस पहने हुए हैं, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट के ऊपर आ रहे हैं। अगर हम देखें इसमें भी ब्रेस्ट के ऊपर आ रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा ब्रेस्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो वियरिंग ए लॉइन क्लोथ जो है वो उसने, इसको हम लॉइन क्लोथ बोलते हैं, ठीक है ना, जो है उसने पहना हुआ है। फैन शेप्ड हेड है, फैन शेप्ड हेड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ड्रेस विद अ डिस्टिंक्टिव डेकोरेटिव फीचर्स लाइक कप्स जो है वो हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कप्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। पैलेट लाइक उसकी आईज हैं, ठीक है ना, ऐसी नहीं है कि भी बहुत आईज उनकी डिटेल दिखाई गई है, बस एक उठा के बस मिट्टी को चिपका दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्योंकि पूजा करनी है तो ऑब्वियस ही बात है उनको इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टोन स्टैचूज की बात करें, ये हमें वहां पे प्रीस्ट जो है वो दिखाई देते हैं IVC में, जो कि बहुत ही रिफाइंड, मतलब एक मानते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, ठीक है। मतलब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में हमें जो मिले हैं, इसमें दो मेल फिगर्स हैं, एक टॉर्सो है, एक रेड सैंडस्टोन है, अदर एक बियर्डेड मैन है जो कि हमें सोपस्टोन में, ये सोपस्टोन में बना हुआ है, ठीक है। द फिगर ऑफ द बियर्डेड मैन, एक प्रीस्ट है जो कि हमें एक शॉल भी वहां पे दिखाई दे रहा है, उसने पहना हुआ है अंडर द राइट आर्म, कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर को कवर करता हुआ। द शॉल इज डेकोरेटेड विद ट्री फॉइल पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह जो है वो हमें इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आईज जो है इसकी इलांगेटेटेड आईज, ऑब्वियस सी बात है, दोबारा से निग्रोस की जो है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नोज इसका वेल फॉर्म्ड है, मीडियम साइज है। द माउथ इज ऑफ एवरेज साइज, क्लोज कट मोस्टैच बहुत ही नजदीक से बनाई गई है ना। अ शॉर्ट बियर्डेड एंड विस्कर्स जो है वो हमें यहाँ पे, छोटी छोटी बियर्ड उसकी दिखाई दे रही है। ईयर्स जो है वो रिजेंबल करते हैं जैसे कि एक शेल में होल किया गया हो। हेयर जो है उसके पैटर्न है एक पूरा तकरीबन, जैसे कि निग्रोस ने पीछे की तरफ अपने बाल किए होते हैं, ठीक है ना। एक उसने सर पे अपने वो भी पहना हुआ है, ठीक है ना, और एक आमलेट इसने पहना हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमें आमलेट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास जो दूसरा मेल टोर्सो, ठीक है, इसका भी आर्टिस्ट अननोन है, मीडियम टेराकोटा लेकिन रेड लाइमस्टोन में बनाया गया है। पीरियड इसका सेम, हड़प्पा में से हमें ये मिली है, कोटसी इज द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन की बात करें, फुल इन्फ्लुएंस इसके ग्रीस कल्चर, देखो अभी इसके जो अगर हम देखें ना बॉडी पार्ट जो है पूरे का पूरा वो क्या है, पूरा डायमेंशन सही बनाया गया है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि चिपकाई दिया गया, पूरा डायमेंशन सही बनाया गया है। उसकी सॉकेट्स ये देखिए, ये नेक में ये सभी बनाई गई हैं ताकि इसको अलग करके कहीं भी ले जाया जा सके, बाद में इसको वहां पे जोड़ दिया जाए। फिगर्स रिजेंबल्स इन बॉडी स्ट्रक्चर विद ग्रीक बॉडी, जो ग्रीक के जो स्कल्पचर्स हैं ग्रीस के उन आर्टिस्टों ने बनाए, उसके साथ काफी रिजेंबलेंस है। शोल्डर एंड नेक जो है वो वेल बेक्ड है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं द पीपल ऑफ दैट टाइम। तो इस तरीके की अटैचमेंट लगाने के लिए भी वो फैमिलियर थे कि हाँ हम स्कल्पचर्स में ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम सील्स की बात करें, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सील मिली हमें। मटीरियल क्या होता है उसका, स्टेटाइट, ठीक है ना, अगेट, चर्ट, कॉपर, फ्यांस, टेराकोटा, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ एनिमल्स, यूनिकॉर्न, बुल, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो, ये हमें मिले हैं। पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है, ऑब्वियसली बात है, ट्रेड पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता होगा। इट अपीयर्स दैट सील्स वर आल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स, है ना, मतलब उसको पहनने के लिए भी यूज करते थे, जो कैरिड पर्सनल जो लोग थे वो अपने साथ लेके चलते थे उसको। मॉडर्न डे की तरह के उसको हम मानते हैं कि वो एक तरह का क्या था उनके लिए, आइडेंटिटी कार्ड, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है वो, है ना। उसके लिए साइज उसका जो 2x2 स्क्वायर इंचेस हम मानते हैं कि इतना होगा, और ईच सील उस पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बनी होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। सम सील्स जो है वो हमें आइवरी में भी, आइवरी मतलब हाथी के दांतों में भी मिली है। ग्रेट वैरायटी ऑफ पोर्टिव्स, उस पे हमें टाइगर, गोट, एलिफेंट, हम्प, बहुत कुछ मिला है। समटाइम्स ट्रीज या ह्यूमन फिगर्स भी वहां पे दिखाई गए हैं। सील्स जो है वो 2500 से लेके 1900 BC जो है वो वहां पे हमें मिलती है मोहनजोदाड़ो में, हम उसका टाइम पीरियड मानते हैं ना। अभी आप लोग बोलोगे सर किसी को क्या पता कि ये 2500 में बनाया गया, 2400 में बनाया गया। जितना डीप धरती में वो जाता जाएगा, जितना डीप जाएगा उतना ही उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा।
स्केयर और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट्स भी हमें वहां पे मिली हैं। फिगर एंड साइंस आर केयरफुली कट विद अ ब्यूरिन। ब्यूरिन मतलब किसी एक बहुत ही तीखी चीज जो होती है उसके साथ जो है वो कटिंग की गई है ताकि वो टूटे ना। कॉपर टैबलेट्स अपीयर टू हैव बीन एमुलेट्स भी उनको माना जाता है। अल्लिक इंस्क्रिप्शंस जो है वो सील्स पे हमें जो मिली हैं वो वेरी करती हैं हर एक केस में, है ना। कॉपर टैबलेट्स पे क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज अलग अलग है। जैसे कि ये है हमारे पास एक, इसको शिवा पशुपति की सील भी माना जाता है, ठीक है ना। तो मीडियम स्टोन स्टेटाइट पीरियड सेम प्लेस मंजुदाड़ू, साइज इसका 2.5 × 2.5 × 1.4 सेंटीमीटर मोटी भी है। पोर्टिसिस की नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली जो जहाँ पे जो पड़ी है, मोस्ट रिमार्केबल सील है। इसको सेंटर में एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। एनिमल्स इसके आसपास जो हैं वो हमें ये चार एनिमल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी है एनिमल्स। ये जो लैंग्वेज है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो पशुपति सील इसको माना जाता है कि कुछ स्कॉलर्स लेकिन इसको एक फीमेल डाइटी भी मानते हैं, कुछ स्कॉलर इसको सरमन भी मानते हैं। उस वक्त एक एक ऐसा बंदा भी था सरमन, है ना, जो भक्ति करता था, वो भी मानते हैं उसको। एलिफेंट टाइगर हमें जो डिपिक्ट करते हैं वहां पे दिखाई गए हैं, रेनोसेरस बफेलो ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। इन एडिशन टू दीज एनिमल्स दो हमें यहाँ पे एंटीलोप्स जो नीचे बने गए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। एक सील हमें ये मिली है, ये अगेन पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूनिकॉर्न बुल सील स्टोन स्टेटाइट पीरियड 2500 महेंजोदाड़ो 2.5 × 2.5 × 1.4 सेंटीमीटर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन है, फिगर जो है वो मिक्सचर ऑफ टू एनिमल्स है, क्योंकि अगर ना तो इसको हम हॉर्न अलग है इसका, है ना, ये हम्प भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी इसको मानते हैं कि ये यूनिकॉर्न बुल है ना। अप टू नेक लाइक इज लाइक अ हॉर्स, यहाँ तक ये हॉर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद हॉर्न लगा दिया तो कुछ अलग सा वो बन गया, लेकिन ये बुल है जिसका एक हम्प भी नहीं है। यहाँ पे एक हम्प होता है बुल के, वो भी नहीं है। सम इंस्क्रिप्शंस और सिंबल्स जो है वो हमें दिखाई दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है ना। द सिंबल लैंग्वेज इज नोन एज पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हम पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब कि किसी पिक्चर को डिपेक्ट करती है। ये पोट्री की बात करते हैं, पोट्री क्या होती है, बर्तन वगैरह, है ना। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोट्री जो है वो हमने वहाँ पे एक्सकावेट की है। ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुई है, वेरियस डिजाइन हम देख सकते हैं वहाँ पे, मोटिव्स देख सकते हैं, एम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल्स। इंडस पोटरी जो है उस पे ना मेनली फाइन व्हील मेड वेयर्स जो है वो हमें मिलते हैं, है ना, जो कि सारे के सारे क्या है, हैंडमेड है, ठीक है ना। प्लेन पोटरी जो है वो मोर कॉमन है देन द पेंटेड वेयर, ठीक है। वो कहता है कि प्लेन पोटरी इज जनरली अगर हम बात करें रेड क्ले की बनाई गई है, ठीक है ना। तो विद और विदाउट फाइन रेड ग्रे स्लिप, है ना, जो है वो बनाई गई है। उसमें क्या है, नोब्ड वेयर ऑर्नामेंट्स जो है वो हम वहां पे देख सकते हैं। द ब्लैक पेंटेड वेयर जो है वो भी हमें वहां पे मिलता है, ठीक है, जिसपे रेड स्लिप लगाया गया है। ज्योमेट्रिक एनिमल डिजाइन जो है वो भी हमें बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो बनाई गई है। अभी इसके अलावा पॉलीक्रोम पोटरी वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है, मेनली जिसपे स्मॉल वॉसेज जो है वो छोटे छोटे बनाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, रेड ब्लैक ग्रीन कलर में येलो कलर में बनाए गए हैं। इनसाइज्ड वेयर जिसपे अंदर ही खुदाई की गई है, उसके अंदर ही उसको मतलब बनाया गया है डिजाइंस को, है ना, इनसाइज किया गया है डेकोरेशन को। इसके अलावा परफोरेटेड पोटरी जिसमें लार्ज होल भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, बॉटम में स्मॉल होल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हम मैं आपको सभी अब यहाँ पे दिखाता हूँ। पोटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पस जो घर के कामों के लिए अलग अलग शेप्स अलग अलग साइज वो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रैक्टिकल यूज डेली के डेली यूज होते हैं। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स जो है वो हमें यहाँ पे एक्सेप्शनल है, क्योंकि ज्यादातर शेप्स एक सी ही बनाई गई है। ग्रेसफुल कर्व्स जो है वो भी रूल करते हैं यहाँ पे। मिनिएचर वेसल्स छोटे छोटे वेसल्स, मिनिएचर मीन्स स्मॉल वेसल्स, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। मोस्टली लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट, बहुत ही छोटे जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इस तरीके के जो वेसल्स हैं, इस तरीके के जो पोर्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में मोहेंजोदाड़ो हड़प्पा या फिर कहीं और साइट से भी मिले हैं। ये पोटरी है हमारे पास पेंटेड अर्दन जार जो कि मोहेंजोदाड़ो में हमें मिला है, ठीक है ना। व्हाइट कलर की इस पे वो बनाया गया है, इस पे अलग अलग वो भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। क्राफ्टी फिंगर्स हमें पोटर की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि उसने काम किया हुआ है।
क्ले को बेक किया गया है बाद में, उसके बाद ब्लैक कलर से या ब्राउन कलर से उसके ऊपर वो किया गया है, हाईली इसको पॉलिशिंग की गई है, ठीक है ना। मोटिव्स वेजिटल्स ज्योमेट्रिक फॉर्म्स इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। डिजाइन बहुत ही सिंपल है जो कि एब्स्ट्रैक्शन की तरफ हमें इशारा करते हैं। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, हड़प्पन मेन जो थे, वुमेन जो थे, वो सभी के सभी मोती वगैरह पहनने के, ऑर्नामेंट्स पहनने के शौकीन थे। मटेरियल इसका अलग अलग मेटल्स भी होते थे, जेमस्टोन, बोन, बेक्ड क्ले। अच्छा, कौन कौन से जो ऑर्नामेंट्स थे वो बनते थे, व्हाइट नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, है ना, और दोनों के दोनों आदमी और दोनों पहनते थे, ठीक है ना। एविडेंसेस क्या है, हमें जो बहुत सारी ज्वेलरी मिली है, ठीक है ना। हॉर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ज्वेलरी, मतलब बहुत सारा ढेर मिला है। इन द लोथल इंक्लूडेड नेकलेस ऑफ गोल्ड एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कॉपर ब्रेसलेट्स मिले हैं हमें, गोल्ड इयरिंग मिले हैं हमें वहां पे, हेड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पेंडेंट्स मिले हैं स्टेटाइट के, जेम स्टोन के, ऑल ऑर्नामेंट्स वर वेल क्राफ्टेड। सीमेंट्री भी मिली है हमें फरमाना में इन हरियाणा, जहां पे डेड बॉडीज को बरी किया गया विद ऑर्नामेंट्स, है ना, सीमेंट्री भी हमें वहां पे मिली है। द बीड इंडस्ट्री वो ज्यादातर लोथल और चुनहादड़ों के एरियाज में हमें लगता है कि वहां पे किया गया होगा, क्योंकि हम कैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे किया गया होगा, क्योंकि जो जैसे कि फैक्ट्री होती है किसी भी चीज की, है ना, उसकी कुछ पीछे जो बाकी रह जाता है ना, तो वो वहां पे लगा दिए जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो बीड्स वर मेड ऑफ कार्लिनियन, एमेथिस्ट, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, ये कुछ तरीके के स्टोन है, है ना, टर्क्वाइस, लैपिस लाजुली जो कि ब्लू कलर का होता है ना, कार्नेलियन जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, है ना, इसके टेराकोटा, बर्न्ड क्ले, इन सभी के भी बनाए जाते थे बीड्स। और इसकी शेप्स भी डिफरेंट थी, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स को मिला के भी बनाए जाते थे, ठीक है ना, गोल्ड कवर कर दिया जाता था उनके ऊपर, इनसाइज किया जाता था, मतलब इनसाइज क्या होता है, जब किसी चीज के ऊपर ना हम उसके बीच में ही बनाते बनाते उसकी डिजाइनिंग कर दे, लेकिन कुछ होते हैं जो बाद में उसको डिजाइन किया जाता है। ग्रेट टेक्निकल स्किल्स की जरूरत थी जो हमें वहां पे दिखाई दिए। हड़प्पन पीपल जो है वो ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एनिमल्स जो है, मंकीज, स्किरल्स, पिन हेड्स, बीड्स, हमें वहां पे इन सभी के एविडेंसेस मिले हैं। ये देखिए इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बीड्स हैं वो हमें मिलाई देते हैं। ये एक तरह का नेकलेस भी हम इसको मान सकते हैं, ये देखिए ये नेकलेस है, अलग अलग तरह के डिस्क शेप, ये वो सारे दिखाई दे रहे हैं। टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्सटाइल होता है कपड़ा, हमें स्पिंडल, स्पिंडल होल्स जिसपे बनाए जाते थे वो मिले हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन और वूल वहां पे कॉमन थे, स्पिनिंग वहां पे हमें बहुत सारे वो, क्योंकि एक्सपेंसिव फियांस जो मिला है, चीप पोटरी, शेल, ये सारी चीजें मिली हैं, तो मेन एंड वुमेन दोनों के दोनों सेपरेट पीसेज ऑफ अटायर था उनका, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, धोती, शॉल, शॉल जो है वो लेफ्ट शोल्डर को कवर करता था, जैसे कि हमने पीछे एक स्कल्पचर जो था हमारा प्रीस्ट का वो भी हमने देखा था, ठीक है ना। और फॉर्म आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, ये लगता है कि पीपल ऑफ इंडस वैली वो फैशन के लिए पूरा कॉन्शियस थे, उनको पता था। डिफरेंट हेयर स्टाइल हमने वहां पे देखे, जो के बियर्ड भी देखी है ना, किनाबर उन्होंने यूज किया कॉस्मेटिक के लिए, फेस पेंट, लिपस्टिक, है ना, आईलाइनर, ये चीजें हमें वहां पे दिखाई देती हैं। मेनी स्टोन्स जो है वो वहां पे हमें धोलावीरा में मिलते हैं, जो के लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे। आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड, अलग अलग तरह के क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग हो, स्टोन कार्विंग हो, पोटरी मेकिंग हो, टेराकोटा इमेजेस हो, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर कोई फैशन करना हो, हर एक चीज में वो बिल्कुल आगे थे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी हम प्लस वन का सिलेबस शुरू कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, है ना, सभी के साथ शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ करो, अपने स्टूडेंट्स के साथ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।